योगी सरकार के आवासों में प्रधानों द्वारा कई तरीके के घोटाले किए जा रहे हैं। योगी की सरकार में एक बार फिर लखीमपुर खीरी का बिजुआ ब्लॉक सुर्खियों में आ गया है, जहां ग्राम डिमरौल में ग्राम प्रधान द्वारा आवासों में घोटाला किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो जब भी आवास योजना के तहत किसी लाभार्थी को सरकार से पैसे मिलते हैं तो प्रधान लाभार्थी को बैंक ले जाकर सरकार द्वारा आए पैसों में से 5,000 रुपए ले लेते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आवास बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों का नाम आवास लिस्ट में होने के बावजूद प्रधान उनके पैसे आने की बात को नकार देता है। वहीं जब इस मामले में गांव के प्रधान से बात की गई तो प्रधान इस मामले में बात करने से बचते नजर आए और प्रधान के बेटे ने इस पूरे मामले में सबूत मांगते हुए पल्ला झाड़ दिया। आवास का मामला है, 40,000 हमारे निकले थे बैंक में, 5,000 प्रधान ने हमारे हाथ से ले लिया। उन्होंने किया कि हमको देखें कितने हैं, गिनने को दिए उनको, और गिन के लिए कहने लगे हमको कितने दोगी, तो 5,000 गिन के ले लिए। जिसे लिए हैं वो आके हमारे सामने के हमें सबूत दिखाया, किसके सामने हमने लिए? नहीं, पब्लिक ने आरोप लगाया है, वो हमें प्रूफ दिखाया किसके सामने लिए। जो इंदिरा आवास निकली थी 14-15 में, वो हमसे लाभार्थी वास्ता नहीं रखी, ना पुराने प्रधान जो रहे शिव प्रसाद उनके पुत्र कपिल द्वारा निकली रहे, वो जो कुछ रुपया लेनी हुई हमसे तो कोई वास्ता नहीं रखी। उसमें ऐसा रहा, दरअसल में ये प्रधानमंत्री सूची आने वाली थी, इसीलिए इंदिरा आवास की आईडी लॉक कर दी गई रहे ऊपर से, नहीं इसके बारे में तो हमें पता नहीं क्यों लॉक कर दी गई है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वाजपेयी की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।